नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवंबर का महीना शुरू हो चला है। मीन राशि वाले या मीन लग्न के जातक के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, जानेंगे समझेंगे। और चार चार ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, सोच सकते हैं आप क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, जो बता रहा हूँ वो होकर ही रहेगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एकदम साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, मीन राशि या मीन लग्न के जातक के लिए ही वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी मीन राशि या मीन लग्न के जातक है जो बताऊँगा वैसा ही घटे, जरूरी नहीं है। वो आपके खुद के कुंडली पर भी डिपेंड करता है। चलिए, शुक्र परिवर्तन हो रहा है 3 तारीख को कन्या राशि में, मतलब कि यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं 3 तारीख को, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो मतलब शुक्र पहले अक्टूबर में यहाँ थे, तो अक्टूबर में यहाँ से यहाँ हो गए, मतलब कि कुछ आपका जगह का परिवर्तन हुआ होगा, या बहुत से लोग कुछ जॉब चेंज किए होंगे, या कुछ नए घर में गए होंगे, या कुछ ना कुछ उनमें एक चेंजिंग जैसा कुछ ना कुछ आया होगा, वो कमेंट करके आप बताना, क्योंकि ये शुक्र यहाँ पे परिवर्तन किए थे। ठीक है, अब शुक्र मालिक बने अष्टम घर के, तो वही है, कुछ परिवर्तन का संकेत तो यहाँ से यहाँ पे आए थे। और अभी जो नवंबर का कंडीशन है, नवंबर के कंडीशन में क्या होगा, अष्टम घर के स्वामी नीच अवस्था में जा रहे हैं, तो नवंबर के महीने में अष्टम घर बहुत बुरा हो रहा है। तो आप ही कमेंट करके बताइए, मीन राशि वाले कुछ बड़े रोग से तो ग्रसित नहीं हो, कुछ गंभीर परिस्थितियां तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये अष्टम घर का है, कुछ बहुत भयंकर संकेत दे रहा है, मरने तक संकेत दे रहा है, मतलब ऐसा संकेत दे रहा है ना जो आपका बिल्कुल मानसिक तनाव हिला के रख देगा। तो कहीं कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं चल रहा है कि आपको बहुत दिक्कत में जाना पड़ जाए, या बहुत भयंकर समस्या हो जाए। कमेंट करें तो बताइएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में कुछ इस तरह की चीज़ों का संभावना दिखाई दे रहा है। दूसरा ग्रह गोचर बुध का होगा, वो वृश्चिक में जाएंगे 6 तारीख को, बुध जो है वृश्चिक में जाएंगे 6 तारीख को, पहले तुला में थे, अभी वृश्चिक में जा रहे हैं। तो बुध पहले यहाँ पे थे, अब इस मतलब बुध का कंडीशन अब बहुत अच्छा राजयोग लेके आ रहा है। तो एक तरफ शुक्र जो है बहुत गंभीर, कोई अचानक से कुछ समस्या लाने वाला है, और एक तरफ से बुध जो है कुछ अच्छा भी करेगा। मतलब क्या, मतलब जिनके कुंडली में शुक्र बहुत खराब होगा उनको तो दिक्कत करेगा, बहुत अच्छा रहेगा उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनके कुंडली बुध अच्छे होंगे उनके साथ बहुत अच्छा होगा, बुध अच्छे नहीं होंगे तो थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र बहुत खराब होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। चौथे घर के भी स्वामी बुध अच्छे कंडीशन में है, बल लेके नहीं बैठे हैं लेकिन अच्छे कंडीशन में है, तो कुछ अच्छा का भी संकेत है, कुछ चीज़ें आपको अच्छा भी हो सकता है, कुछ नवंबर के महीने में कुछ चीज़ें बहुत से लोगों को कुछ अच्छा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैरियर में बहुत से लोगों को अच्छा भी होगा जिनका बुध अच्छा होगा, जिनका बुध स्ट्रांग कुंडली में होगा। अब सूर्य आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं 16 तारीख को आ रहे हैं, इसी में मंगल आ रहा है 16 तारीख को, मंगल यहाँ पे थे और अच्छे कंडीशन में थे, तो पहले भी धन भाव और आपका भाग्य भाव, पहले भी धन के मामले में अच्छा कंडीशन था, भाग्य के मामले में भी अक्टूबर का महीना अच्छा था, अक्टूबर के महीने में कुछ पैसा आपके पास आया होगा, कुछ धन का स्रोत खुला होगा, जैसे कि नौकरी लगना या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट होना, कुछ इस तरह का संकेत अक्टूबर में भी हुआ था, भाग्य भी आपका साथ दिया था, तो रुके हुए काम भी आपके बन गए होंगे, या कुछ चीज़ें आसानी से आपको मिल गए होंगे। यही सेम चीज़ आपको नवंबर में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, नवंबर में भी कुछ इस तरह का सार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब सूर्य की बात करेंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 17 तारीख को, सूर्य भी इसी में आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में हो गए। तो सूर्य अक्टूबर के महीने में बहुत बुरे अवस्था में थे, बहुत ही बुरे अवस्था में अक्टूबर के महीने में सूर्य थे। तो निश्चित तौर से आपको अक्टूबर के महीने में बहुत से लोगों को बहुत भयंकर धोखा मिला होगा, अपनों ने ही धोखा कर दिया होगा, या कुछ चीज़ें ऐसा हो जिसमें कि सामान का चोरी होना, या देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसा जिसमें आप बहुत भयंकर उलझ गए हो, या कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का होना, कुछ सामान का चोरी होना, नुकसान का होना, कुछ इस तरह का संकेत भी आपको अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको जिनका सूर्य खराब होगा उनके साथ ये कंडीशन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी आपके खुद के कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो कुंडली पे डिपेंड करता है, कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। अब देखिए 4 ग्रह परिवर्तन हुआ है, किसका सूर्य का कैसा, कुंडली में सूर्य कैसे हैं, बुध कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, मंगल कैसे, इस पे भी डिपेंड करता ना। अच्छे होंगे तो परिणाम आपका जो गलत होगा वो कम होगा, अच्छे नहीं होंगे तो जो गलत होना होगा वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अब जितने भी मीन राशि वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि जितने भी मीन राशि हैं सबके साथ ही वैसा, ऐसा नहीं, खुद का कुंडली भी तो अलग अलग ग्रह का होता है ना। तो लेकिन ये बातें जनरल प्रिडिक्शन होती है कि हाँ ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें होने की चांसेस हैं, ध्यान रखना चाहिए। और सबका कुंडली तो देखा नहीं मैंने, तो अगर आप अपना खुद का कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर संपर्क करके कुछ चार्जेस हैं पे करके आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है उसी पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।